अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू भारत फिजिक्स। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर मोहम्मद हमीद। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो चैनल है भारत फिजिक्स, उसमें डेली बेसिस के लिहाज से वीडियो की जो तरतीब था वो मुझसे रह गया था कुछ पर्सनल मैटर की वजह से, तो उसके लिए मैं सारी बोलता हूँ। आज से इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है? डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं, फिजिक्स क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पर हमने तकरीबन 2-3 लेक्चर किए हुए थे। आज अगेन हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का एक क्लास लेंगे, उसमें हम दो चीजों को उस डिफिनेशन में ऐड करेंगे जो आपके क्लास 9 का जो बुक है उसमें उन्होंने मिस किया है। ये ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। तो उस मैटर और एनर्जी में हम टू टर्मिनोलॉजीज को ऐड करते हैं ताकि हमारे पास जो फिजिक्स का डिफिनेशन है वो मुकम्मल हो जाए। तो हमारे पास क्या है फिजिक्स का, हमारे पास है दी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। या हमने ऑलरेडी बात किया था कि फिजिक्स का ताल्लुक फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस से नहीं है। जिसको हम फिजिकल साइंस को हम बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस, या इसको हम बोल सकते हैं नॉन लाइफ साइंस भी बोल सकते हैं। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं अबाउट मैटर, इस पर हमने बात किया था कि हमारे पास मैटर क्या चीज है, एनर्जी हमारे पास क्या है। आज टू टर्मिनोलॉजीज को हम ऐड करते हैं कि मैटर और एनर्जी के साथ टाइम और स्पेस पर भी बात करेंगे। तो मुकम्मल जो हमारे पास डिफिनेशन है ऑफ फिजिक्स का, हम उसमें मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस, ये हमारे पास 4 बेसिक पिलर है ऑफ फिजिक्स के। अगर इससे हम बात करेंगे तो हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे पास ये टू टर्मिनोलॉजी इसमें क्यों ऐड हो गए? तो ये बात अपनी जहन में जहन नशीन कर ले कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं हमारे पास नेचुरल फिनोमेना, हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। हम कुदरती मज़ाहिर के बारे में फिजिक्स में स्टडी करते हैं कि जितने हमारे पास फिनोमेना क्या होता है, अनी ऑब्जर्वेबल इवेंट जो होता है, जिसको आप ऐसा कोई इवेंट जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम फिनोमेना के नाम से याद किया जाता है। और नेचुरल फिनोमेना जो हमारी नेचर में जो इवेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह के हमारे पास सन राइजिंग है और इस तरह हमारे पास लाइटिंग है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना हम जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसको फिजिक्स बोला जाता है। तो ये दो पिलर जो है टाइम एंड स्पेस, इसको समझने से पहले आपने नेचुरल फिनोमेना आपने क्या हुआ है उसको सही तरह स्टडी करना होगा। उसको हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये टाइम और स्पेस नेचुरल फिनोमेना के साथ रिलेटेड है। तो मैं नेचुरल फिनोमेना का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ कि हमारे पास क्या है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फिनोमेना। हमारे पास है सनराइज, सनराइज जिसको हम बोलते हैं तलोए आफ्ताब, यानी हमारे पास जो सनराइज होता है ईस्ट से मशरक है, हमारे पास सर सूरज निकलता है। तो ये हमारे पास क्या है ये नेचुरल फिनोमेना है, हमारे नेचर में इवेंट होता है। तो अगर आप हम इस डिफिनेशन को इस नेचुरल फिनोमेना में इन्वॉल्व कर रहे टाइम एंड स्पेस, और मैं एक स्टूडेंट से पूछ लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है अली, और मैं हमारे पास एक स्टूडेंट है अली उसको ये बता दो कि आप चले जाए और आप सन को देख ले, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम है 12 PM, हमारे पास होने वाले है, ठीक है? और मैं 12 PM पर
अली को क्लासरूम से क्या करो, उसको इजाज़त दे दो कि आप बाहर जाए और सन को देख ले कि वो हमारे पास राइस हो रहा है, यानी हमारे पास किस साइड से ईस्ट से राइस हो रहा है कि नहीं। तो वो फौरन बताएगा कि सर नहीं, हमारे पास सन ऑलरेडी राइस हो चुका है, क्योंकि वो तो सुबह राइस हो चुका है और आप मुझसे अभी 12 बजे यानी 12 पीएम पे बात कर रहे हैं। तो देखो नेचुरल फिनोमेना जब अकर होता है तो उसके लिए हमारे पास टाइम का होना जरूरी है कि हम सनराइज को तकरीबन अगर आज कल वक्त में आपको बता दो तो तकरीबन अगर हम कर ले के हमारे पास 6:30 पे 30 एम पर राइज होता है, तो ये हमारे पास ये टाइम इन्वॉल्व हो गया। दूसरा कहां से राइज होता है, हमारे पास ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है। तो हमारे पास मैटर एनर्जी टाइम एंड स्पेस, ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। तो दूसरा हमारे पास जो डिफिनेशन है फिजिक्स का वो हमारे पास क्या है, हम अगर आवर डिफिनेशन भी कर ले तो हमारे पास एक आवर डिफिनेशन ये भी बन सकता है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ हमारे पास जो मुताला है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कायनात का मुताला, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं फिजिक्स, इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। कि हमारे पास फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे पास पूरा कायनात को स्टडी कर रहा है, हमारे पास पूरा कायनात को स्टडी कर रहा है, तो इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, और एक शॉर्ट क्लिप में मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि हम पूरे यूनिवर्स में या हमारे पास फिजिक्स का जो डिफिनेशन है तो उसमें हम मैटर और एनर्जी को क्या उठाते हैं। देखो अगर हम डीपली स्टडी कर लें तो हमारे पास जो यूनिवर्स है ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इसमें आपको सिर्फ टू चीजें नजर आएंगी। एक हमारे पास क्या है, एक आपको मैटर नजर आएगा, मादा नजर आएगा, और दूसरा आपको क्या, एनर्जी के फॉर्म में चीजें मिलेंगे, यानी मैटर सॉलिड लिक्विड गैस या अदर स्टेट है भी एसी है फर्मा साइन कंडेंसेशन वगैरह जो है, और जितने भी स्टेट है मैटर के उसमें या आपको चीजें नजर आएंगे या हमारे पास लाइट एनर्जी फोटॉन की चीजें में आपकी चीजें नजर आएंगे। ये हमारे पास क्या है, यानी रेडिएशन के फॉर्म में आपको नजर आएंगे। तो पूरे यूनिवर्स में इन दो चीजों को हम स्टडी करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है ये हमारे पास फिजिक्स है। तो अभी सवाल ये है कि हमारे पास यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ, अगर हम सिंपल वे में कह लें तो ये कनेक्शन है किस चीज का, गैलेक्सीज का। तो हमारे पास जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारे पास क्या है, यूनिवर्स हमारे पास ये हमारे पास कलेक्शन है, मजमुआ है, किस चीज का मजमुआ है, कलेक्शन ऑफ हमारे पास गैलेक्सीज का। कि बहुत सारे गैलेक्सीज अगर कंबाइन हो जाए तो हमारे पास यूनिवर्स वजूद में आता है, और ये जो हम आजकल जो रिसर्च कर रहे हैं ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ये बात आपको जहन में बैठाना होगा कि हम जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हमारी बुक्स में, ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास यूनिवर्स जो है ये इनफाइनाइट है। इसके बाद हमारे पास एक और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम मल्टीवर्स के नाम से याद करते हैं। तो हमारे पास गैलेक्सी का कलेक्शन जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे पास फिर गैलेक्सीज क्या है, व्हाट इज गैलेक्सीज। तो इसका आंसर इस तरह होगा कि गैलेक्सी हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स है, स्टार। ये हमारे पास क्या है, ये कलेक्शन है, इसको हम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। अगर बहुत सारे सितारे आपस में जमा हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास गैलेक्सीज हैं, ठीक है।
तो हमारे पास यूनिवर्स में तकरीबन अगर हम रेंज की बात कर ले तो 200 बिलियन से लेकर यानी 100 बिलियन से लेकर हमारे पास 200 बिलियन तक हमारे पास गैलेक्सीज का रेंज है। रेंज हमारे पास क्या है गैलेक्सी का, 100 बिलियन से लेकर 200 बिलियन तक गैलेक्सी का क्या है हमारे पास रेंज है। और मैं आपको ये भी बताता चलो कि हम जिस गैलेक्सी के पार्ट्स हैं, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वो हमारे पास क्या है, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारे पास स्पाइरल गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अगर ये सवाल आपसे कर ले कि आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं कि ये हमारा गैलेक्सी है, इसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि इस गैलेक्सी में हमारे पास टोटल जो सितारे हैं वो कितने हैं, उसकी तादाद हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 100 बिलियन, 100 बिलियन स्टार्स हमारे पास, 100 बिलियन स्टार हमारे पास इस गैलेक्सी में मौजूद है। और उसमें हमारा एक स्टार है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सन बोलते हैं, सन, सूरज। तो आपसे ये बात जहन में बैठा ले कि हमारे पास सन क्या है, ये कोई और चीज नहीं है, ये एक हमारे पास स्टार है, एक सितारा है। और इस सन से हमारे पास बहुत बड़े बड़े सितारे मौजूद है, हमारे पास जो, और मिल्की वे गैलेक्सी हमारे पास क्या है, ये गैलेक्सी है। और इसमें हमारे पास एक स्टार मौजूद है जिसको सन बोला जाता है। और सन के एक गैर हमारे 8 प्लेनेट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक खुद का प्लेनेट है जिसपे हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेनेट है, प्लेनेट जिसको हम प्लेनेट यानी सियारा भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास सन क्या है, ये हमारे पास स्टार है, स्टार। तो ये प्लेनेट है और ये स्टार है, और 8 प्लेनेट हमारे सन के इर्द-गिर्द रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारे पास क्या है, हम इस अर्थ में रह रहे हैं, और इस अर्थ में मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी के हमारे पास सबसे नजदीक जो सितारा है, सारी गैलेक्सी जो है उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा। उसको क्या बोला जाता है, जो नेरेस्ट हमारे पास क्या है, नेरेस्ट हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी के MWG को, हमारे पास जो गैलेक्सी नेरेस्ट है उसको एंड्रोमेडा बोला जाता है, एंड्रोमेडा। ये करीब तरीन हमारे पास गैलेक्सी है। और इसी तरह हम सितारों के दरमियान या हमारे पास गैलेक्सी के दरमियान हम डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है लाइट ईयर। तो ये हमारे पास क्या है, बार बार हमारे इंडिकेट में, टेस्ट में ये MCQs रिपीट होता चला जा रहा है कि हमारे पास जो लाइट ईयर है ये किसका यूनिट है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ जब स्टूडेंट्स ईयर देखते हैं तो उसके दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम का यूनिट है, लेकिन बिल्कुल नहीं, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हमारे पास क्या है, नॉन एसआई यूनिट है, ये सिस्टम इंटरनेशनल का नहीं है, नॉन एसआई यूनिट, इसके है नॉन एसआई यूनिट। हमारे पास जो लेंथ है वो लाइट ईयर है, और इसको हम सितारों यानी सन और दूसरे जो स्टार्स है उसके दरमियान या हमारे पास जो गैलेक्सी है उसके दरमियान लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब ये है कि हमारे पास फिर लाइट ईयर क्या है, तो हमारे पास इस लफ्ज़ से भी क्लियर है, लाइट रोशनी, ईयर मींस अ साल। हमारे पास जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, और इसको हम NY से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं और भी बहुत सारे डिफिनेशन हमारे पास मौजूद है, उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। एक और डिफिनेशन चलो मैं आपको क्लियर कर लो, हमारे पास डिफिनेशन क्या है फिर इसका, हमारे पास ये भी डिफिनेशन है कि हम क्या है
फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केस के बारे में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में फिजिकल क्वांटिटीज यानी ये स्टडी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिस ब्रांच में हो रहा है उसको हम फिजिक्स के नाम से याद करते हैं। तो अब ये है कि इसमें ये डिफिनेशन क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज के टू टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट के लिए कोई हमारे पास फिजिक्स का रोल या लॉ इस्तेमाल हो रहा हो। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप ये हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये हमारे सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। और आप जब 9 क्लास से लेकर आप जितने भी आगे जा रहे हैं ये टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ेंगे, इसको आप मेजर करेंगे, तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास क्या है, गुस्सा है, खुशी है, थिंकिंग है, हेट है, लव है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स के कोई लेना देना नहीं है। तो आई मैं समझ ले कि हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं फिजिक्स के लिए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। और तो हमारे पास एक और डिफिनेशन भी है, द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई, कि आप कैसे और क्यों के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास फिजिक्स है। क्यों का फिजिक्स सवाल उठाता है कि इस तरह क्यों हो रहा है, और उसका सवाल जवाब देने के लिए फिर फिजिक्स को हमें अप्लाई करते हैं। तो इस सारे डिफिनेशन को मैंने इस लेक्चर में आपके सामने रख दिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता ले प्लीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इंशाल्लाह हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।